हम आए हुए थे यहाँ पे वोडाफोन के ऑफिस में और परेशान हो चुके हैं इस नंबर से बहुत ही ज़्यादा। फाइनली एक तो पोर्ट हो चुका है, मतलब पोर्ट करवाने जा रहे हैं, दूसरे को पोर्ट करवाते हैं, कितनी देर में होता है वो नहीं पता, आपको अपडेट देंगे इसका भी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं वीबीओ लाइव। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ वोडाफोन की सर्विस से। मेरे 5 नंबर चल रहे थे टोटल वोडाफोन के अंदर पोस्ट पेड में, इनकी घटिया इतनी सर्विस जिसकी वजह से मेरा बिल बहुत ज़्यादा आता था। तो फाइनली 3 नंबरों का तो मैं मतलब भूल ही गया हूँ, बट ये 2 नंबर मेरे को रिटेन करने हैं, जिसकी वजह से आज मैं आया हूँ इनको पोर्ट करवाने। पहले भी 4 बार आ चुका हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी, बट इस टाइम आ गया हूँ और अब मैं रिकॉर्डिंग करूँगा और आपको बताऊँगा अंदर क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या सर्विस दे रहे हैं। 4 बार इसी स्टोर में आया हूँ, इन्होंने मेरे को बोला 48 घंटे में हो जाएगा, 24 घंटे में हो जाएगा, आपका हो जाएगा, जाओ आप। तो मैं चला गया, मेरा अभी तक नहीं हुआ। अंदर चलते हैं और मैंने सुना है काफी कस्टमर्स अंदर भी हैं जो परेशान हो रहे हैं, तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन को और प्रेस कीजिए ये बेल के बटन को और पाइए मेरी तरफ से लेटेस्ट वीडियोस। 4 सितंबर को हमने इसकी पोर्ट की रिक्वेस्ट डाली थी, ये रिक्वेस्ट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुई, बिल आई जा रहा उसके बाद भी इन दोनों नंबरों का। हम इन्हें करा चुके हैं डीलिंग बट नहीं हुए, अभी इसका फाइनल कर रहे हैं कि दोबारा कि इसको डीलिंग कराओ, ये कह रहे हैं ये वाला नहीं होगा, ये वाला डीलिंग हो चुका है, तो इसकी अभी पेमेंट कर रहे हैं हम अराउंड अपनी 2480 रुपए की, और उसके बाद कह रहे हैं 4 घंटे में ये वाला भी डीलिंग हो जाएगा। 4 से 5 बार मैं पहले भी आ चुका हूँ स्टोर के ऊपर, मेरे को कोई ढंग से रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब एक बार दोबारा बिल कर रहे हैं यहाँ पे सेवक पे, पे करते हैं उसके बाद बताते हैं क्या हो रहा है और आपको भी दिखाऊंगा कि इसमें से डीलिंग हुआ है या नहीं हुआ, तो पता लगेगा ये चल क्या रहा है। यहाँ पे बिल पे हो चुका है इसका, अब भैया जी पोर्टिंग की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। सेम इशू जो हो रहा है आंटी के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है। आंटी कितने टाइम से ये बिल की पंगा आ रहा है आपके साथ? 2 महीने से आंटी जी भी परेशान है। मैंने तो आंटी को एडवाइस दी, आंटी बिल भरने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो नंबर को अगर नंबर छोड़ सकते हो। वही ना, बहुत ही घटिया सर्विस मिल रही है यहाँ पे, देखते हैं अभी क्या होता है इसका। आपने कर दिया पोर्टिंग कोड आ गया, ठीक है जी, इसका पोर्टिंग कोड आ चुका है, तो ये हमारा मतलब पोर्ट अभी जाके करवा सकता हूँ ना, इसको भी पोर्ट करवा लो ना, इसका क्या हिसाब होगा ये भी बता दो प्लीज। हाँ जी, मेरे को कॉल नहीं चाहिए, मेरा सीधा प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, इसको पहले मैं इसको इंडिविजुअल कराऊंगा, तभी पोर्टिंग कोड जनरेट होगा, उससे पहले ये 4 से 6 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अभी 4 तारीख है, 3 बज रहे हैं, 7 बजे तक हो जाएगा सर? ठीक है जी। अब ये भाई हमारे फोन से बात कर रहे हैं, कंपनी को बोल रहे हैं कि इनको ही डीलिंग करना है फैमिली से, मतलब ये भी नहीं कर पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो करते हैं बताते हैं क्या होता है। यहाँ पे इस वाले की रिक्वेस्ट डल चुकी है, शक्ति जी भैया का नाम है, बता रहे हैं 4 घंटे में हो जाएगा ना, और नहीं होता तो अपना नंबर दे दिया भैया ने, कहा ना एक बार फ़ोन करके पूछ लेना, तो देखते हैं क्या होता है इसका। दूसरे वाले को चलते हैं पोर्ट करवाने, थैंक यू भैया। सो यहाँ पे 1.25 घंटा हमारा वेस्ट होने के बाद हम बाहर आ चुके हैं स्टोर से, अंदर आपने देख लिया, उन्होंने पहले भी 2 या 3 बार मेरी रिक्वेस्ट डली हुई है डीलिंग करने की भी, क्योंकि ये फैमिली में नंबर चल रहा था तो वो भी नहीं हुआ, और इसको पोर्ट करवाने के लिए भी रिक्वेस्ट डाली हुई है, फिर भी ये नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या चाहते हैं, ये बार बार बस पैसे ही खाते हैं। अब 1 नंबर इन्होंने हमारा जो है वो कर दिया है डीलिंक फैमिली से, और ये पोर्ट होने की रिक्वेस्ट भी डाल दिया है। 2 नंबर कह रहे हैं अभी भी 4 घंटे लगेंगे, अंदर बंदे ने नंबर दे दिया अपना, अब चलते हैं इसको पोर्ट करवाते हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी मैं इन वोडाफोन के नंबर से बाहर आना चाहता हूँ पोस्ट पेड से, और इस वाले को 4 घंटे के बाद देखते हैं क्या होता है, फिर कल इसको भी करवा देंगे। अब यहाँ से चलते हैं आगे, नंबर चेंज करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारा नंबर हो चुका है पोर्ट इस टाइम पे जियो के अंदर, और बादवा जी भी आ चुके हैं यहाँ पे, तो हमने कहा बादवा जी आओ सूप पीते हैं, तो क्या है सर? बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया हाल चाल है, ठीक है, बड़े दिनों बाद मिले, तो अब यहाँ पे सन्नी पे सूप पीते हैं और थोड़ा फ्री होते हैं। The next day. So, मैं आ चुका हूँ ऑफिस और आज हो चुकी है 5 तारीख, अभी भी वो नंबर पोर्ट होने के लिए नहीं हुआ एप्लीकेबल, बिकॉज वो फैमिली के साथ अटैच है। तो अब देखते हैं, ये जो स्कैम चल रहा है बहुत ही तगड़ा चल रहा है वोडाफोन वालों का, काफ़ी बंदों की कंप्लेंट्स वहाँ पे जब मैं स्टोर में खड़ा हुआ था उस टाइम पे भी आ रही थी, और काफ़ी और भी बंदे जब मैं जा रहा था उस टाइम पे, मतलब एक का मैंने रिकॉर्ड किया, बाकियों के मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि किसी को भी कुछ भी ऑब्जेक्शन हो सकता था। अगर सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो छोटी सी थी बट एक इन्फॉर्मेटिव थी, अगर वोडाफोन के बिलिंग में ये प्रॉब्लम ऐसे ही चलती रहेगी तो
तो ये मुझे नहीं लग रहा वोडाफोन ज़्यादा दिन तक चलेगा। बिलिंग के साथ बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। स्कैम बहुत ही तगड़ा है वोडाफोन वालों का। अगर आप भी इसके कहते हैं भोगी हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई भी अपडेट आएगा आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं ज़रूर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो एंड बाय बाय पीस। कौन से वाला वोडाफोन से फ्री हो जाए, पीस मिल जाएगा, क्योंकि भाई बहुत बिल भर रहे हैं हम।